जोहार, नमस्कार। ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान कांके विधानसभा से प्रत्याशी रहे सुरेश कुमार बैठा जी, वर्तमान में कांके विधानसभा से भाजपा के विधायक समरी लाल के खिलाफ में उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति दर्ज न्यायालय में कराया है और उसे लेकर उन्होंने न्यायालय से गुहार लगाया है कि उनकी विधायिका समाप्त किया जाए। ये फर्जी प्रमाण पत्र के साथ यहाँ पर बना के झारखंड में और आरक्षण का लाभ लिए हैं। क्या कुछ मामला है, हमारे साथ में बात करने के लिए इस वक्त सुरेश कुमार बैठा जी हैं। इन्हीं से सीधा जानते हैं कि क्या कुछ अभी तक मामले हुआ है इस मामले पे लेके। सुरेश जी, समरी लाल जो बीजेपी से विधायक है, उनके खिलाफ आपने कोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग, राज्यपाल और ये एक विधानसभा अध्यक्ष या जो एक कमिटी है यहाँ पर जाति प्रमाण के लिए, उस कमिटी में भी आपने बहुत तरह से इस पे पहल किया कि इनका जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाए। क्या कुछ लगा, कहाँ कहाँ गए, क्यों ऐसा महसूस हुआ आपको? हम लोग जब हमारे बाल बच्चा या आपके बाल बच्चा कहीं जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जब जाते हैं तो कई तरह का डिमांड होता है। लोग खतियान मांगते हैं, बिजली बिल मांगते हैं, वोटर आईडी का मांगते हैं, ये 3-4 गो जो चीज़ है मांगा जाता है तब बनता है। और मेन तो मुख्यतः हम झारखंड में जब रह रहे हैं तो हमारी सर्टिफिकेट्स होगी, कोई प्रमाण होना चाहिए ना, तो खतियान के आधार पर बनता है। तो इनकी खतियान नहीं थी, ये मात्र जब हमने भी जब RTI के द्वारा इनका जांच पड़ताल किया तो देखा कि भाई ये वोटर आईडी कार्ड का जो फोटोकॉपी होता है, बरियातू में ही रहते हैं, जो है आपका यहाँ जो आवास जो है जो बना हुआ है मेडिकल का, तो उस पे जो है क्वार्टर जो बना है उसका एड्रेस था और उसी के आधार पर उन्होंने स्थानीय जांच के आधार पर उसको ये सर्टिफिकेट दिया गया था, निर्गत किया गया था। तो इसी सब सारे चीज़ प्रमाणों को हमने निकाल के माननीय वहाँ पे दिए जाति छान कमेटी में, तो उन्होंने भी इसी तरह का जांच किया तो सेम मिल गया जो हमने RTI से निकाला था। तो पता चला कि इसके पास जो बनाने का आधार जो था वो बिल्कुल ही गलत था, जिसके आधार पर उसकी जाति जो है निरस्त कर दी गई है। और उसी प्रमाण को लेकर हमने जो है स्पीकर कर दिए, स्पीकर जी को दिए थे 4 अप्रैल 2022 को और 6 अप्रैल 2022 को राज्यपाल के पास भेजा गया। और राज्यपाल जी ने हमको लगा एक आध महीना तक उस रिपोर्ट को अपने पास रखे और उसके बाद पेपर के माध्यम से पता चला, हमको लगता है 8 जून आसपास वो भेजे होंगे माननीय निर्वाचन आयोग भारत सरकार को। कुल मिलाकर मतलब देखा जाए तो कहीं से मतलब आपको जो दिए, जहां भी ये सब हुआ मामला, उससे आपको कहीं पर से अभी तक कुछ नहीं फायदा हुआ है, वहां से कुछ आपके तरफ फेवर में कुछ डिसीजन नहीं आया, पेंडिंग में है। विधानसभा सत्र के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जो है झारखंड हेमंत सोरेन, उन्होंने भी इशारा करके समरी लाल जी विधायक को फर्जी विधायक कहा था, जिसके बाद से एक राजनीतिक बवाल मचा था। इसमें समरी लाल जी ने भी अपना प्रतिक्रिया दिया था कि एक दलित को कमजोर पाके इस तरह से उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और बार बार समरी लाल ये चीज़ को दोहराते हैं जब भी वो बात करते इस मामले पे, तो उन्होंने ये तर्क देते हैं कि हमने 8 बार 7 बार चुनाव लड़ा कांके विधानसभा क्षेत्र से, कई राजद से लड़ा, निर्दलीय लड़ा, JMM से लड़ा, उस समय गठबंधन में कांग्रेस भी था, किसी को उस समय आपत्ति नहीं हुई, अब जाके क्यों आपत्ति हो रही है? तो पहले क्या आप लोग को मालूम नहीं था कि, या पहले पूर्व में जो भी लड़े चुनाव, आप भी 3 बार लगभग विधानसभा लड़े थे कांके में, तो क्या उस समय आप लोग इस पे नहीं ध्यान दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन जी को विधानसभा के पटल में जो उन्होंने आवाज़ उठाए थे कि ये डुप्लीकेट विधायक बैठे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने बात को रखे थे, मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। चूँकि उनको जानकारी थी कि इनका जाति प्रमाण पत्र रद्द हो चुका है और ये गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाकर जो है ये नॉमिनेशन फाइल किया था। जहाँ तक दलित का बात है तो सुरेश बैठा भी यहाँ झारखंड का दलित है और दूसरी जगह का दलित आके एक दलित का शोषण कर रहा, अच्छा है? अरे भाई, आप तो राजस्थान के दलित हो, जाओ ना वहाँ लड़ो, वहाँ तक बहुत सारा ऐसी सीट खाली पड़ा हुआ है BJP का, वहाँ चलते रहता है, कभी कांग्रेस कभी BJP होते रहता है, वहीं मेहनत करो ज़्यादा। लेकिन सुरेश बैठा
और यहाँ यहाँ का जो यहाँ खतियानी लोग जो दलित दलित के लिए सीट है आरक्षित, तो उस पर क्यों लगे हुए हो कि कोई कह दे कि हम यहाँ के हैं वहाँ के हैं तो हमको मान लेगा, हम बिहार में जाएंगे हमको मान लेगा, हमारे पास है बिहार का कोई प्रमाण का। तो उपचुनाव होगा निश्चित रूप से होगा, सुरेश बैठा को फिर टिकट मिलेगा? देखिए ये तो पार्टी तय करेगी ना किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस है नहीं, लेकिन हम तो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये पार्टी को भी मालूम है और हर लोग जानते हैं कि मैं घर पे कभी रहता हूँ, रात में 10 बजे के बाद घर पहुँचता हूँ और सोने का सिर काम घर में, और उसके बाद दिन भर आप देखते हैं कि घूमते फिरते नजर आते हैं, तो इसलिए तैयारी हमारा लगा हुआ रहता है, इसीलिए जनता का मुझे अपार समर्थन मिलता रहा है। जो 40,674 वोट 2009 में लाया, आज हमने 89,435 वोट लाया है, तो 50,000 का वोट का इजाफा हमने इतने दिन में किया, ये लोगों का प्यार और मोहब्बत है। लेकिन इस बार मुझे पूर्व उम्मीद है कि हमारे तमाम लोग लग भिड़ कर इस बार फतह हम लोग लहराने का काम करेंगे, मुझे विश्वास है कांके जनता पर, क्योंकि लगातार मुझे स्नेह और प्यार दिया है, इसलिए कार्यकर्ताओं से मेरा आह्वान है कि सारे खिलाड़ी प्रखंड के, बुढ़मू प्रखंड के, कांके प्रखंड के और हमारे एक से लेकर 10 वार्ड के सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग चुनावी तैयारी में लगे, निश्चित रूप से चुनाव होगा, मुझे न्याय पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है। तो ये हमारे साथ में सुरेश कुमार बैठा थे जिन्होंने समरी लाल विधायक के जाति प्रमाण पत्र पे, उनके प्रमाण पत्र पे सवाल उठाया और न्यायालय पे ये लंबित है मामला, लेकिन इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि दिसंबर तक ये मामला जो है डिसीजन आ जाएगा और डिसीजन भी इनके फेवर में आ जाएगा और ये अपने स्तर से कह दीजिए तो उपचुनाव के लिए ये बिगुल फूंक चुके हैं और कार्यकर्ताओं को भी आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग चुनाव के लिए रेडी हो जाइए क्योंकि कांके विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। फिलहाल आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।